तो दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के 80% लोगों ने ये गेस कर लिया होगा कि मैं किस हथियार के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी बता दूँ, 80% लोगों में से 70% लोगों ने गलत गेस किया होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि मैं काली वेपन के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं काली वेपन के बारे में बात करने वाला ही नहीं हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं यहाँ पर भारत के उस वेपन के बारे में बात करने वाला हूँ जो काली वेपन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, और जिसके बारे में चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी जानकर पूरी तरह हैरान है कि भारत ने आखिर ये कर कैसे लिया। दरअसल, मैं जिस हथियार के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम दुर्गा है। तो यह काली वेपन की जैसा ही, लेकिन यह काली वेपन से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखने के बाद सही गेस किया था या नहीं। अब दोस्तों, यह बात तो कन्फर्म है कि आज के समय युद्ध के मैदान में हमें एक से बढ़कर एक और खतरनाक हथियार देखने को मिल रहे हैं। दुनिया में कई देशों के पास आज भी ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिन्हें दुनिया के सामने पेश किया ही नहीं गया है, और उन्हीं हथियारों में से हमारे पास एक दुर्गा नाम का हथियार है। दुर्गा वेपन को बनाने के लिए DRDO दिन रात मेहनत कर रहा है, और यह भारत का बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई, जब सीक्रेट प्रोजेक्ट है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो? तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में केवल वही जानकारी बता रहा हूँ जो जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है, ना कि मैं कोई खुफिया जानकारी लीक कर रहा हूँ। दुर्गा का पूरा नाम डी डिक्शनरी अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन एरे है, तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम जानने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप नाम जानते ही रहेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा है। दुर्गा वेपन को वार एक्सपर्ट के द्वारा तबाही का दूसरा नाम दिया गया है। साधारण भाषा में बात करें तो दुर्गा एक लेजर वेपन है जो बेहद सटीकता से अपने किसी भी टारगेट को पल भर में नष्ट कर सकता है। लेजर वेपन बनाने में एक्सपर्ट हमारे देश की लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने पहले भी एक 25 किलोवाट का लेजर वेपन बनाया था, और इसी के आधार पर दुर्गा को बनाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि दुर्गा भारत का कोई नया प्रोजेक्ट है, बल्कि दुर्गा के ऊपर सन 2000 से ही काम किया जा रहा था। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारे देश की राजनीति कैसी है, सरकारें आती रहीं और जाती रहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को ना तो मंजूरी मिल रही थी और ना ही इसके लिए फंड मिल रहा था, जिस वजह से हमारा यह प्रोजेक्ट लगातार डिले होते रहा। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, तब से इस हथियार को बनाने के लिए DRDO दिन रात और लगातार मेहनत कर रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में यह पूरी तरह से भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके किसी भी कागज़ को जलाया जा सकता है, ठीक उसी तरह लेजर टेक्नोलॉजी भी काम करती है। दुश्मन के टैंक, तोप, मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन, शिप जैसे कोई भी हथियार हो, अगर उनमें इलेक्ट्रॉनिक का यूज किया गया है तो फिर वह दुर्गा के कहर से बच नहीं सकते, क्योंकि पल भर के अंदर दुर्गा उनके पूरे ढांचे को पिघला के राख कर देगा। दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभालने का मौका देती है और ना ही हमले करने के बाद कोई सबूत छोड़ती है। दुर्गा के बारे में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें तो यह भी बताया गया है कि दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। दुर्गा जैसे हथियारों को बनाना यह किसी भी देश के लिए एक सपने के साथ सोने जैसा है, क्योंकि फायरिंग के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने की वजह से दुर्गा जैसे हथियार बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और इन्हें ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के पास हर चीज़ का समाधान है। जब वो इतने खतरनाक हथियार को बना सकते हैं तो फिर वह इसे ठंडा करने का भी कोई ना कोई उपाय खोज ही लेंगे। फिलहाल अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की नेवी के पास इस तरह का एक हथियार मौजूद है जो दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टर को बिना कोई मिसाइल छोड़े उन्हें नीचे गिरा सकता है। फिलहाल अमेरिका का यह हथियार 30 किलोवाट का है, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए अमेरिकी सेना ने यह डिसाइड किया था कि अब 100 किलोवाट का हथियार बनाया जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद ही अमेरिका की तरफ से एक बयान दिया गया, और जिसमें कहा गया कि 100 किलो नहीं बल्कि अब 200 से 250 किलोवाट तक का एक हथियार बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि चाहे भारत हो या अमेरिका, इस तरह के हथियार उनकी सेनाओं की पहली पसंद बन गए हैं। हालांकि दुबई में एक डिफेंस एक्सपो के दौरान चीन ने ऐसा ही हथियार पेश किया था, और चीन का कहना था कि उसका यह हथियार भारत के दुर्गा और अमेरिका के 30 किलोवाट वाले लेजर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन चीन के इस दावे को सारी दुनिया ने एक साथ खारिज कर दिया। फिलहाल दुर्गा वेपन पर काम करने के लिए DRDO ने सरकार से $100 मिलियन का मांग किया है। अब देखना यह है कि सरकार DRDO को यह पैसे कब देती है। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि दुर्गा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लीक नहीं हुई है, और जो जानकारी लीक हुई है उसमें बस यही बताया गया है कि दुर्गा एक लेजर वेपन है जो कि एक बेहद ही खतरनाक और भारत का सीक्रेट प्रोजेक्ट है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।